करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में छोटा सा इंट्रोडक्शन है, वो है एचसीएफ। अगर आप दो नंबर लेते हैं ए और बी, है ना, तो उनका एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए, उन दोनों का प्रोडक्ट करिए। मतलब एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये मैं किस तरह से यूज करना है क्वेश्चन के अंदर तो आपको सिखाऊंगा, और इसमें ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एचसीएफ मतलब दो नंबर्स का, ए और बी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 16, 18, कुछ भी, ठीक है। उसका एचसीएफ उनका एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर के जो दो नंबर आपने लिए उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते, ठीक है। तो 140 सबसे पहला है, 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने, तो 270 जा 2, 35 जा 5, 7 जा और 7 क्या 1 जा। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 140 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 का स्क्वायर, कितने 2 है 2, तो 2 का स्क्वायर 5a के इनटू 7, तो ये हो जाएगा 140 का। अब इसी तरीके से आपका आ जाएगा 156 का, हम कर देते हैं तो 156 को भी 2 से डिवाइड करते हैं, तो 27 जा 14, 28 जा 16, फिर 23 जा 6, 29 जा फिर 13 जा और 13 1 जा। तो इसके भी 156 के भी प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं हम थर्ड पे, दैट इज 3825। 3825 को हम 5 से करेंगे क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल 5 ही है, सही हो सकता है ये, ठीक है। तो 57 जा 35, ठीक है, 5 से 35 और 32, 5 6 30, ठीक है, और आपका 25, 5 5 जा 25। उसके बाद फिर 5, तो यहाँ पे 5 1 जा 5, ठीक है, 26, फिर आपका 53, तो आई थिंक 17 के टेबल में आपका 153 आता है 9 जा, फिर 3 जा और 3 1 जा, 17 9 जा 153, ओके। तो यहाँ पे जो 3825 जो थे उसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए, 5 का स्क्वायर आया, 3 का स्क्वायर आया और क्या आया, 17 आया, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं, वो है आपका 5005। 5005 के फैक्टर्स 5 के टेबल से कट करते हैं, तो 1001, ठीक है, 1001 ना 2 से हो सकता है ना 3 से हो सकता है, तो चलिए 7 से ट्राई करते हैं, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, है ना, और 7 3 जा 21, तो 7 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अभी ये 1 + 4 5 + 3 8, ठीक है, 13 से करते हैं, 13 से हो जाएगा 13 1 जा 13 और फिर 13 11 आया, ठीक है ना, उसके बाद 11 1 जा। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 5005 क्या है, 5 × 7 × 13 × 11, ओके क्लियर। आपका लास्ट पार्ट है 7429, तो ये थोड़ा और तरह का नंबर है, तो इसमें ना 2 का रूल यूज़ हो रहा है ना 3 का डिविजिबिलिटी रूल हो रहा है, तो हमको कुछ नंबर ही चूज़ करना पड़ेगा। 17 करता है, तो 17 4 जा 68 होता है, ठीक है, 62, ठीक है, 17 3 जा 51, ठीक है, और फिर 17 7, तो 437 आएगा। फिर हम इसको 19 से करते हैं, ठीक है, तो 19 2 जा 38 और फिर 19 3 जा 57, फिर 23 1 जा, तो यहाँ पे 7429 के जो आपके फैक्टर्स आए हैं वो है 17 × 19 × 23। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया।